डी1 प्रोटीन, और एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं डी2 प्रोटीन। तो डी1 प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, प्लास्टोक्विनोन बी प्रेजेंट होगा, और डी2 प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप लोग देख लेना। तो अब होगा क्या, देखो अब होगा ये कि हम लोग बोलेंगे ये जो DCMU है वो कॉम्पीट करता है, कॉम्पिटिशन करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन बी के साथ। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन बी के साथ ये करता है कॉम्पीट, और ये DCMU हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन बी के जगह क्या, बी प्लास्टोक्विनोन बी है उसके जगह ये क्या कर जाता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्यूपाई कर जाता है। ठीक है, तो अब जब हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन बी के जगह कौन ऑक्यूपाई कर लिया है, DCMU ऑक्यूपाई कर लिया है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो DCMU है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा प्लास्टोक्विनोन ए से, नहीं ये DCMU इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा साइटोक्रोम P6 F कॉम्प्लेक्स की तरफ। मतलब हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्लास्टोक्विनोन ए से हम लोग बोलेंगे DCMU, यहीं पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसको, DCMU को, लेकिन DCMU इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज DCMU हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे रिलीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहां पर बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहां पर बंद हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ATP नहीं बनेगा, ये पाथवे नहीं चलेगा, ना ही हम लोग बोलेंगे कोई रिड्यूस NADPH2 बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि जो DCMU होता है ना वो कॉम्पीट करता है प्लास्टोक्विनोन बी के साथ, ठीक है, ऑफ D1 प्रोटीन ऑफ फोटोसिस्टम 2 एंड ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ये ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इधर नहीं ट्रांसपोर्ट होगा तो ATP भी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर ATP बन रहा था ना, अब ATP भी नहीं बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन से अगर इधर नहीं जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इधर रिड्यूस NADPH2 भी नहीं बनेगा। इसका मतलब हो गया इट ब्लॉक्स DCMU ब्लॉक्स द ATP सिंथेसिस एज वेल एज हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 सिंथेसिस। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर बताया। तब देखिए यहाँ पर दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इतना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, कैसे करके ये होगा, देखो यहाँ से जो भी सनलाइट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो फोटोसिस्टम 2 में क्या हो जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए फोटोसिस्टम 2 के पास क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। ये क्या, ये किस तरह हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द ल्यूमन ऑफ द थैलाकोइड, मैंने बताया था। अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कौन रिसीव करेगा, फोटोसिस्टम 2, ताकि फोटोसिस्टम 2 से जो भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, इसीलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं रहा है। अगर आगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा तो सनलाइट यहाँ पर बार बार पड़ेगा। ठीक है, सनलाइट बार बार पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, वाटर का तो फोटोलाइसिस हो गया ही होगा, ये वाटर का फोटोलाइसिस हो गया, होते रहेगा। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 की तरफ नहीं जाके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, देखो ध्यान से, फोटोसिस्टम 2 की तरफ नहीं जाके ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से जाके क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके मतलब एक तरह से इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स किसमें चेंज कर देगा, हम लोग बोलेंगे सुपर ऑक्साइड में चेंज कर देगा। ठीक है सुपर ऑक्साइड में चेंज कर देगा। याद रखना ये जो सुपर ऑक्साइड है ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हाईली अनस्टेबल क्या चीज है, फ्री रेडिकल है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब ये सुपर ऑक्साइड जो एनायन है या ऑक्सीजन है या फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये जो लिपिड का मेम्ब्रेन है, लिपिड का जो मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड का जो लिपिड का मेम्ब्रेन है, जितना भी लिपिड का मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। लिपिड का मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रॉय होगा तो हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सेल भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कौन इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को, हम लोग बोलेंगे DCMU इनहिबिट करता है क्या चीज को, फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्या चीज का, DCMU का। अब क्वेश्चन आता है ये जो पैराक्वाट है ये भी हर्बिसाइड है, ये हम लोग बोलेंगे कैसे करके, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ये जो पैराक्वाट है, जो हर्बिसाइड है, वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है और इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे।
तो देखिए क्या चीज होता है, देखिए यही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जेड स्कीम पाथवे है ना, ये जेड स्कीम पाथवे है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि डीसीएमयू कहां पर ब्लॉक किया, हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस लेवल पे ब्लॉक किया, जिसकी वजह से ना ही एटीपी बना, ना ही रिड्यूस एडीपीएच2 बना, ठीक है, और लाइट रिएक्शन नहीं हुआ, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं हुआ, डार्क रिएक्शन नहीं हुआ, और प्लांट्स का क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। कैसे, हम लोग बोलेंगे सुपर ऑक्साइड बना, फ्री रेडिकल बना, जो कि लिपिड के मेम्ब्रेन को अटैक किया, लिपिड के मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से सेल का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेल का क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। ये भी अभी अभी हम लोगों ने देखा। तो अब देखिए पैराक्वाइट क्या करता है, पैराक्वाइट क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट थिंग याद रखना है कि पैराक्वाइट भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हर्बिसाइड है, ठीक है, मतलब ये वैसा केमिकल है जो हम लोग बोलेंगे प्लांट को क्या करता है, खत्म कर देता है, फर्स्ट थिंग याद रखिएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे इसका कॉमन नेम क्या चीज है, तो कॉमन नेम देखिए क्या चीज है, मिथाइल वायोलोजेन, ठीक है, क्या इसका कॉमन नेम है, मिथाइल वायोलोजेन, ठीक है, इसका कॉमन नेम है, इसको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका आईपीएससी नेम क्या चीज है, या इसका केमिकल नेम क्या चीज है, तो एनएन डाइमिथाइल 44 बाइपाइरिटिनियम डाइक्लोराइड है, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। और अब देखिए अब क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक करता है, तो याद रखना है इट ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू एनएटीपी, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब हो गया देयरफॉर इट ब्लॉक्स, इट मतलब हम लोग बोलेंगे पैराक्वाइट ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूस एनएडीपीएच2 ओनली, मतलब पैराक्वाइट जब काम करेगा तो एटीपी तो बनेगा ही बनेगा एज इट इज, लेकिन हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस एनएडीपीएच2 है वो नहीं बनेगा। बताने का क्या मतलब हुआ, बताने का ये मतलब हुआ कि हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन एज इट इज चल रहा है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे जेड स्कीम पाथवे एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बोलेंगे पैराक्वाइट जो केमिकल है, ये जो हर्बिसाइड है, वो किस लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक करता है, तो देखिए ध्यान से, ये जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ एफडी, एफडी का मतलब क्या चीज हो गया, फेरिडॉक्सिन, क्या हो गया, फेरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर एफडी जो है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एफडी का मतलब हो गया क्या चीज, फेरिडॉक्सिन हो गया, ठीक है, और FNR का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे FNR का मतलब हो गया फेरिडॉक्सिन, क्या चीज, NADP रिडक्टेज, ये एंजाइम है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो याद कीजिए जब भी हम जेड स्कीम पाथ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे या पढ़े हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास पहुंचता है, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाता है, फेरिडॉक्सिन NADP क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिडक्टेज के पास जाता है। फिर FNR क्या करता है, हम लोग बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, NADP को देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, ये जो पैराक्वाइट जो रहता है, पैराक्वाइट क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो फेरिडॉक्सिन से निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे NADP के पास नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब इस लेवल पे क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे पैराक्वाइट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है इट ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू NADP, ठीक है, समझिए, ठीक है। इसका मतलब फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, वो हम लोग बोलेंगे FNR में नहीं पहुंच रहा है, FNR में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे NADP में नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से NADP रिड्यूस नहीं हो रहा है और NADPH2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे पैराक्वाइट के बारे में। तो अब देखिए अब यहां से क्या क्वेश्चन निकलता है, पैराक्वाइट तो इस लेवल पे ब्लॉक किया इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन इस लेवल पे तो इलेक्ट्रॉन्स चल ही रहा है, पर जब पैराक्वाइट से प्लांट सेल को ट्रीट किया जाए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे देखो ये नॉर्मल एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जब प्लांट सेल्स को पैराक्वाइट से ट्रीट किया जाए तो नॉर्मल एटीपी का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर देयरफॉर पैराक्वाइट ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूस NADPH2 ओनली, ठीक है। अब आप ही लोग बोलिए कि जब रिड्यूस NADPH2 नहीं बनेगा, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन नहीं होगा, केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, केल्विन साइकिल नहीं चलेगा तो प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैराक्वाइट। और एक चीज देखिए क्या दिमाग में रखिएगा
कि जब हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल्स को ट्रीट किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे डीसीएमयू के साथ, तो डीसीएमयू इस लेवल पे क्या करेगा, इस लेवल पे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ब्लॉक करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, जिसकी वजह से ना ही एटीपी बनेगा, ठीक है, और ना ही हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एनएडीपीएच2 बनेगा। लेकिन जब प्लांट सेल्स को ट्रीट किया जाए पैराक्वाड से, तो ये जो जेड स्कीम पाथवे तो वो तो एज इट इज चलेगा यहां तक फेरिडॉक्सिन तक, ठीक है। लेकिन फेरिडॉक्सिन से हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस एनएडीपीएच2 बन रहा है वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब पैराक्वाड के टाइम पे एटीपी तो बन जाएगा, लेकिन रिड्यूस एनएडीपीएच2 जिसको रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम लोग बोलेंगे इनहिबिटर्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं रोल ऑफ क्या चीज, डीसीएमयू एंड पैराक्वाड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।